ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुरल्मीन के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी की ओर से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लाउड स्पीकर पर रोक से संबंधित हम अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। हमारे या किसी के गांव या बस्ती में न तो मंदिर के लाउड स्पीकरों से मुस्लिमों को कोई आपत्ति है और न ही हिंदुओं को मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से किसी भी तरह की कोई आपत्ति है। लाउड स्पीकर पर पूर्ण रूप से रोक न लगाकर आवाज धीमी कराने का कोई फरमान भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व से ही यह गंगा यमुना तहजीब का एक उदाहरण का हिस्सा है। पहले भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान व मंदिरों से आरती होती चली आ रही है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं MIM जिला अध्यक्ष हूँ। आज DM ऑफिस आए, क्या मामला है? आज हम लोग DM ऑफिस जो आए हैं, अजान के मामले को लेकर आए, अजान का, मस्जिद का और मंदिर का, दोनों ही मामले को लेकर आए हैं। क्योंकि जब मंदिर के अंदर आरती होती है वो भी हम लोग सुनते हैं, और मस्जिद के अंदर अजान होती है वो भी हम सुनते हैं। और मैं आपको अपने दिल की बताऊं, जिस वक्त मंदिर के अंदर वो चलता है ना कि बुरा किसी का कर ना सको तो भला किसी, इस तरह के जो शब्द है वो, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज वो सारी चीजें बिल्कुल सुनसान कर दी गई, जबकि DJ खुलेआम बज रहा है, रात दिन बज रहा, पूरा महल्ला हिल जाता है जिस वक्त DJ बजता है, और अजान से परेशानी है, मंदिरों के अंदर से परेशानी है। हम चाहते मंदिर के अंदर भी इसी तरह बजता रहे और मस्जिदों के अंदर भी माइक इसी तरह चलता रहे, धीमी आवाज चले, भले एक ही लाउड स्पीकर हो। इसी चीज को हम लेकर आज लोग यहाँ पर आए, हमने ज्ञापन दिया है। DM साहब से मिले, क्या बात हुई? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चलाइए लेकिन आवाज धीमी हो। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने माइक चालू रखिए बगैर किसी टेंशन के, लेकिन उसकी आवाज धीमी रखिए। हमारी जात से किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। असल मुसलमान वही अल्लाह के नबी की हदीस है, जिससे किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि अजान जिस तरह चल रही थी माइकों के अंदर ऐसी चलती रहे। देखिए, सारे फंडे चुनाव के टाइम आकर होते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं है। कभी अजान बंद करा दी, कभी मसला, या मदारिस की छानबीन की जा रही है, पीछे हुआ, उसके बाद फिर वापस लेना पड़ा। इसी तरह अजान का मसला गुजरात हाई कोर्ट ने तो कह दिया, ठीक है अजान भी हो और मंदिर के अंदर आरती भी हो, हम भी चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे। सर, अभी श्रीराम कॉलेज में बुरके का जो प्रोग्राम हुआ था, उसको कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, बुरखा जो एक पर्दा है हमारे लिए, लेकिन उसको शराम किया जाता है। पहली बात तो मुजफ्फरनगर के अंदर इसकी जरूरत है नहीं। हमारा मुजफ्फरनगर तो बहुत सादगी का शहर है, यहाँ पे सीधे साधे लोग रहते हैं। मैं मानते नहीं कि यहाँ पे इस तरह की फैशनों की जरूरत है, लेकिन ठीक है कराइए, लेकिन आप किसी भी मजहब को टारगेट मत कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, ये कह रहा हूँ, मजहब को टारगेट किया जा रहा है, एक विषय को सामने रख के, ये गलत है अगर वहाँ पर बुरखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अभी संजय बालन जी का बयान आया कल कि ये जो लोग हैं भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इस तरह का उनका तो काम है, वो बहुत सादे बयान देते हैं, उनकी मुंह के अंदर से मिठास बरसता है, सब जानते हैं कि उनके भाषण कितने मीठे होते हैं। हमारे मुंह के अंदर जबान है, लेकिन हम हक बोलते और बोलते रहेंगे।